हमने अभी बात करी थी कि स्टोमक से डाइजेशन प्रोटीन का हो जाता है, प्रोटीन पेप्टोन और प्रोटीजेज में चेंज हो जाती है। अब पार्शियली डाइजेस्टेड फूड अब आगे इंटेस्टाइन की ओर बढ़ेगा, उस पर बात करते हैं। यहाँ से खाना इंटेस्टाइन की ओर बढ़ रहा है, मुंह के अंदर वोकल कैविटी में टाइलिन यूज हुआ, सलाइवरी ग्लैंड के जूस यूज हुए, तो भोजन दांतों से टूटा तो बोलस बन गया, और बोलस से यहाँ इंटेस्टाइन में आया, बोलस से यहाँ आ गया, ये एससीएल में आ गया, ये यहाँ पे काइम में हो गया, यानी यहाँ पे एससीएल जुड़ गया, कुछ म्यूकस जुड़ गई तो ये काइम में बन गया, और इंटेस्टाइन में और एंजाइम और हार्मोन मिल जाएंगे और लिक्विफाई हो जाएगा और तरल हो जाएगा और काइल कहलाएगा। बोलस, काइम और काइल। भोजन यहाँ से ड्यूडेनम की ओर आया। भोजन यहाँ पे बहुत हाईली एसिडिक मीडियम में था। हमने आपको बताया कि यहाँ पे एसीएल बहुत है, होता है टॉयलेट क्लीनर जो यूज होता है, एसीएल उतना ही एसिडिक है। अब ये यहाँ से यहाँ ड्यूडेनम से होता हुआ इधर आ गया, ग्रहणी की तरफ आ गया। लेकिन इस जगह दीवारों पे ये देखिए, हमने माउथ बताया, ये इसोफेगस बताया, ये स्टोमक बताया, ये इंटेस्टाइन बताइए। यहां से समझिएगा आप कि स्टोमक से खाना यहाँ ड्यूडेनम इंटेस्टाइन के आ रहा है, इंटेस्टाइन की शुरुआत में इस जगह से यहां से इसकी दीवारों से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जो कि उनको हार्मोन की इन दीवारों को उत्प्रेरण कहां से मिलेगा, जब एसिडिक माध्यम आएगा। एसिडिक माध्यम कहां से आया, एससीएल से आया, तो ये एक्टिव होगी, एक्टिव होकर उन्होंने हार्मोन निकाला, हार्मोन निकाल करके उसका मैसेज गया एससीएल को, इसका मैसेज गया इसको स्टोमक को कि आप एससीएल बनाना अब बंद कर दें, खाना स्टोमक से निकल कर इंटेस्टाइन की ओर आ चुका है, ये फंडिक स्फिंक्टर होता है, यहां से ये खाना इधर आ चुका है, अब स्टोमक खाली हो चुका है, एक्शन अब यहां होना है, तो अब पीछे एससीएल क्यों बने, उस एससीएल को रोकना है, तो यहां से मैसेज जाएगा नेगेटिव फीडबैक, इसे कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, यानी नकारात्मक मैसेज कि आप अब एससीएल ना बनाए, ना बनाने का मैसेज आ रहा है, नहीं बनाने का, अगर बनाने का होता तो पॉजिटिव फीडबैक नहीं होता, ये नेगेटिव है, ये आया यहां से मैसेज गया, और साथ में इसकी दीवारों से हेपेटिक आर्टरीज और वेन से लीवर को भी मैसेज जाता है, पेनक्रियाज को भी जाता है, लीवर को मैसेज गया तो उसने वो लीवर बाइल, पित्रस बाइल में बनता है और गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, और कॉमन बाइल डक्ट से ये इंटेस्टाइन की वॉल से कैविटी में खुलता है। तो इसके लिए जो हार्मोन है यहाँ पे एंटेरोकाइनेज है, सिक्रेटिन है और पेनक्रियोजाइमिन है। डाइजेशन इन इंटेस्टाइन यानी आंत में पाचन होता है, उसके लिए तीन पार्ट है, पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस और सक्कस एंटेरिकस, ये तीन पूरे इसका एक्शन है। हम पहले ले रहे हैं अग्नाशय रस, पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रिया से निकल रहा है, सिक्रेटिन ने लिवर को कह दिया, पैनक्रियोजाइमिन गया उसने पैनक्रियाज को कहा कि आप पेनक्रेटिक जूस रिलीज करिए, पेनक्रेटिक जूस रिलीज करेगा। अब बात करें अग्नाशय रस की, बाइल जूस, पेनक्रेटिक जूस, शक्कर, ये क्या क्षारीयता प्रदान करते हैं, हाईली एसिडिक आई रहा है उसको क्षारीयता प्रदान करेंगे तो कुछ तो न्यूट्रिफाई हो जाएगा। इसकी पीएच अग्नाशय रस की 7.5 से 8 होती है, इसमें वाटर होता है, एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम कौन कौन से हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। अब ये ट्रिप्सिनोजन के रूप में इनएक्टिव फॉर्म में मिलते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ये यहाँ एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में, जो सकस एंटेरिकस ये इंटेस्टाइन की जो आंतों की जो विराइज होती है, कहाँ गया, ये आंतें होती है ना, ये इंटेस्टाइन है,
इसका अंदर जब अपन देखेंगे अगर टीएस काटे हैं तो ये अंदर से यूं है, ये विलाइज पाई जाती है उंगलियों के आकार की विलाइज, ये यूं यहां पे ये ना ऐसे विलाइज पाई जाती है यहां से यूं। तो ये तो इस विलाइज से फायदा क्या हुआ कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, अब्सोर्प्शन एरिया बढ़ जाता है, अब्सोर्प्शन एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाता है और एब्जॉर्प्शन भी यहां से होएगा क्योंकि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन, यहां पे पाचन और अब्सोर्प्शन दोनों प्रक्रिया इंटेस्टाइन में है तो ये सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है। अब ट्रिप्सिन ट्राइमोट्रिप्सिन ये पाए जा रहे हैं और ये विलाई से जो एंटीरोकाइनेज निकला था इसने ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन पे एक्शन किया, इनको उत्प्रेरित किया, एक्टिवेट किया, एक्टिवेट होकर के अक्रिय थे, इनएक्टिव थे, इनएक्टिव से एक्टिव हो गए ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में और काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन में चेंज हो गया। अब ये अब क्या होगा कि ये एक्स्ट्रा काइमोट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिन है ये वापस से ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन में चेंज होंगे, लेकिन अब ये एंटीरोकाइनेज नहीं, अब ये एक्टिव ट्रिप्सिन ही काम करेगा। जैसे हमने स्टोबक में पढ़ा था पेप्सिन के बारे में कि पेप्सिनोजन से पेप्सिन बना था एचसीएल की प्रेजेंस में, अब जो एक्टिव पेप्सिन था उसने जो एक्स्ट्रा पेप्सिनोजन था उसको पेप्सिन में चेंज कर दिया, अब एक्सिल की जरूरत नहीं थी, वहां एक्टिव पेप्सिन ने काम किया, वहां भी ऑटो कैटेलाइजेशन हुआ, यहां भी ऑटो कैटेलाइजेशन, यहां ऑटो कैटेलाइजेशन ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन का है, वहां पेप्सिनोजन से पेप्सिन था, तो ये ऑटो कैटेलाइजेशन सब उत्प्रेरण ऑटो कैटेलाइजेशन कहता है। ये जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन बन रहे ये क्या करेंगे, ये जो स्टोमक से जो पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन आई थी किस फॉर्म में आई थी, प्रोटियोजेज और पेप्टोन के रूप में आई थी, इसके ऊपर ये ट्रिप्सिन यहां एक्शन करेगा और प्रोटियोजेज प्रोटीन से प्रोटियोजेज बना पेप्टोन बना, पेप्टोन को ये डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड में तोड़ देगा, जिनका आगे सर्कस एंटेरिकस से एक्शन होगा तब ये अमीनो एसिड में बदलेगा, वो आगे बदलेगा, प्रोसेस आगे धीरे धीरे बढ़ता है, एक्शन आपका होते होते इतनी स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी है उसके अंदर ये एक्शन हो जाता है और ये फूड को जटिलता से सरलता की ओर ले जाते हैं हम, यानी कार्बोहाइड्रेट सिंपल फॉर्म ग्लूकोज के रूप में मिलेंगे, प्रोटीन जो भी हमने खाई जिस फॉर्म में खाई दाल खाई अंडा खाया कुछ भी खाया वो अमीनो एसिड के रूप में लास्ट में अवशोषित होगा, तेल घी कुछ भी खाया वो फैट के रूप में फैट ग्लूबुल्स के रूप में आएगा। आज नेक्स्ट इसमें एमाइलेज आएगा, ये नेक्स्ट टर्म पे करेंगे हम। थैंक यू।